सो हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं लॉर्डन, आप देख रहे हैं लॉर्डन गेमिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए माइनक्राफ्ट के वीडियो में। सो गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं आज, क्योंकि हम लोगों को अपने घर से निकलना पड़ा है, क्योंकि भाई घर में सामान रखने की जगह नहीं है, तो हम लोग को ही निकलना पड़ा। तो इसलिए गाइस, हम लोग को आज कुछ ना कुछ इसके लिए करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ, सारा सामान फेंक देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप भाई, लेकिन उस सामान में हम लोग का बहुत सारा कीमती सामान भी है, जैसे कि अपना डायमंड आर्मर और अपना डायमंड्स और बाकी इंचेंटेड बुक्स और वगैरह और बहुत कुछ। भाई घर में रहने मिलेगा तब ना रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी यार। भाई देखो, हम लोग ना वो सामान से एक हम लोग क्या कहते हैं उसे, डील कर लेते हैं। और डील वो होगा ना कि भाई ये घर तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया, तो ये घर अपना ये भी एक हम लोग घर बना देंगे, ठीक ना। हाँ भाई। तो भाई जहाँ पे उनको हम लोग आराम से रख पाए। सो गाइज, मतलब आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज हम लोग क्या स्टोरेज रूम बनाने वाले हैं। यस, सो गाइज, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक स्टोरेज रूम, जो कि बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है भाई। मतलब मस्त स्टोरेज रूम है, हम लोगों ने देख लिया है। और गाइज, और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना था कि हम लोग बहुत ज्यादा करीब है 100 के सब्सक्राइबर्स के। तो बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा दूर है। मन नहीं नहीं गाइज, कट कर देना प्लीज। करीब है 100 के सब्सक्राइबर्स के, बस 46,000 ही बाकी है। तो प्लीज जल्दी जल्दी 100 के सब्सक्राइबर्स करवा दो, और इस साल के एंड तक अगर हो जाते तो भाई क्या ही एपिक हो जाएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो को जल्दी से करते हैं शुरू। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, बाकी तो आप स्मार्ट हैं, तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई आगे चलते हैं। यहाँ पे बहादुर, हेलो बहादुर, हे बहादुर। और शेरू, साइड वाला बहादुर है भाई। भाई अच्छा, हाँ ये तो शेरू है। गाइस अगर आपको इसका नाम देखना है, वो बहादुर को भी करवा दो यार, बहादुर को भी फिट करवा दो, बहादुर भी बहुत ज्यादा भूखा है। ये बहादुर भी खा लिया। यस, सो गाइस अगर आपको शेरू का नाम देखना है भाई, तो प्लीज जल्दी जल्दी 100 के करवा दो, क्योंकि ये 100 के बाद ही शेरू का नाम रखने वाला है भाई। ये तुम ऐसा डिसीजन क्यों लेते हो भाई, ये बेचारा 100 के बाद अगर करवाए ना तो फायदा है, 100 के जल्दी हो जाएगा भाई। ओ भाई तुम तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बिजनेस माइंड, पैसा ही पैसा होगा। ओ भाई तुमको तो मुकेश अंबानी का जगह होना चाहिए था भाई। भाई शाबाश। अरे यार वहाँ पे ये आयरन गोलम क्या करते हैं हमेशा भाई, आयरन गोलम मतलब भाई तेरा क्या ड्यूटी है क्या वहाँ पे भाई, मतलब तू क्या। अच्छा अच्छा, मुझे लगता है ये चौकीदारी कर रहा है। देखो हाँ भाई। ओ भाई ये आयरन गोलम बहुत मारो अच्छा इसको, है। मारो भाई इसको, मार दिया। अच्छा अब तो मारना ही पड़ेगा भाई ये आयरन गोलम को। देखो वहाँ पे दूर भी एक आयरन गोलम है, वहाँ पे भी एक आयरन गोलम मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। गाइस अपना आयरन फार्म जो है ना बहुत ज्यादा एपिक काम तो काम करता है भाई, लेकिन ऊपर स्पॉन होते सारे। हाँ भाई इसको मतलब कुछ करना पड़ेगा। गाइस कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा गाइस कि क्या कर सकते हैं, और भाई देखते हैं आप कितने सपोर्टिव हैं। क्या हम लोग 1,000 कमेंट कंप्लीट कर सकते हैं भाई, क्या लगता है हम लोग 1,000 कमेंट्स कंप्लीट कर पाएंगे इस वीडियो पे? नहीं गाइस, प्लीज प्लीज गाइस इसको झूठा साबित कर दो, और प्लीज 1,000 कुछ भी कमेंट करो, कुछ के बारे में मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। प्लीज जल्दी जल्दी 1,000 कमेंट्स करवा दो भाई। पहला भाई वीडियो होगा शायद इसमें 1,000 कमेंट्स अगर आप करते तो हो जाएंगे। तो भाई अभी तो रात हो गई है, सोने चलते, उसके बाद सुबह को देखते कहाँ पे बनाना है। वैसे भाई तुम इतना बकबक करते हो कि रात हो गई यार। मैं बकबक नहीं करता यार, ये रात ही बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। तो चलो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, सो जाते जल्दी से भाई। हम लोग तो खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सामान है ना अंदर में। भाई मैं सो जाता हूँ। यार मेरा बेड पे तुम सो गए, हट जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, मैं सो जाता हूँ यहाँ पे। The next day. ओ भाई सुबह हो चुकी है गाइस, और हम लोग देखो भाई यहाँ पे बनाने वाले अपना स्टोरेज रूम भाई। तो सही चलो है, भाई के सामने भाई। हाँ भाई घर के सामने, क्योंकि स्टोरेज रूम ना हम लोग को बार बार सामान इसमें है क्या? हाँ इसमें स्टोरेज रूम में हम लोग को बार बार जाना पड़ेगा, इसलिए सामने होना चाहिए सामान। भाई सामान तो चाहिए होगा भाई, चेस देख रहे हो, बहुत सारा सामान चाहिए। तो चलो भाई ओक लॉग मैं भी लेता हूँ, तुम भी ले लो। ओके मैं आधा ले लेता। रुक जाओ मैं यहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, ये लो ये ले लो। नहीं सही आधा सही। नहीं नहीं मैंने इसमें चेस्ट में रख दिया भाई, इसमें इससे ले लो तुम थोड़ा। ओके तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कौन से साइड पे फेसिंग होना चाहिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, पहले हम लोग देख लेते हैं पोजीशन अच्छे से। तो देखो भाई यहाँ पे मैं करता हूँ 1, 2, नहीं नहीं इस साइड को करो, इस साइड को करो। कहाँ पे? इस साइड को, क्योंकि यहाँ से फिर 8 ब्लॉक हम लोग को आना पड़ेगा अगर। ओके हाँ ये तो सही, हाँ ये तो सही कहा तुमने। तो मैं जस्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, फिर 1 ब्लॉक का गैप, फिर 1 भाई यहाँ से नहीं ऐसे नहीं भाई। तो कितने ब्लॉक के गैप? भाई ऐसे भाई ऐसे भाई कहाँ पे ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा वहाँ पे हाँ। 1, 2 ठीक है तो मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे बीच में कितने ब्लॉक्स के गैप लगेंगे भाई? 2 ब्लॉक बीच में, एक बीच में एक बीच में एक। अच्छा यहाँ साइड में 2 ब्लॉक के गैप चाहिए थे।
ओ भाई ये तो मैंने गलती कर दी, रुक जाओ यार, गलती कर, मैं टिक कर दे रहा हूँ, एक दो तीन, तुम वो साइड करो ठीक है, 1 2 3 and 4 और ये हाँ तुम उधर कर लो, तो मैं यहाँ पे दो ब्लॉक के गैप में करता हूँ, 1 2 3 चलो चार हो गए, चलो भाई यहाँ पे मैंने तीन प्लेस कर दिए, अभी 8 ब्लॉक हम लोग, एक बार दूर से देख लेता हूँ भाई, अच्छा कुछ ऐसा लग रहा है भाई, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें भाई, देखो क्या एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे गेट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, अरे इस साइड से हम लोग नहीं घुसेंगे, इस साइड से घुसेंगे यार, अच्छा इस साइड से घुसना है, ओके ओके ओके, तो मतलब यहाँ से अब 8 ब्लॉक एक्सटेंड करने पड़ेंगे ना, 1 2 ऐसे करके, ऐसे नहीं हाँ हाँ मतलब ऐसे करके टेढ़े, हाँ, ना टेढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 9वें ब्लॉक पे तुमको ये करना है, 1 2 3 बीच में मतलब 8 ब्लॉक रहने चाहिए, 6 7 and 8 ओके, मतलब यहाँ तक मैं कर देता हूँ और यहाँ से फिर स्टार्ट करूँगा, 1 2 and 3 फिर 2 ब्लॉक का गैप, फिर मुझे ये करना पड़ेगा, 1 2 3 and 4 2000 years later. सो के गाइस हो चुके और एक सुबह, और भाई देखो यहाँ पे हम लोगों ने कितना ज़्यादा कंप्लीट कर दिया अपना काम भाई, कितना मस्त लग रहा है अंदर से भी भाई, बस अब हमें क्या करना है ना, हमें ग्लास प्लेन लगाना है भाई, तो ग्लास प्लेन में यहाँ से बहुत सारे ले लेता हूँ, 64 है अपने पास, तो भाई मैं ये कर लेता हूँ यहाँ पे पूरे ग्लास प्लेन लगाने, एक बार देख लो भाई क्योंकि गलत हो जाएंगे तो फिर तुम मुझे डांटोगे भाई, ना तुम जाओगे इस साइड से ही तो रास्ता आएगा, हाँ 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 वहाँ पे रास्ता है, और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा भाई, कितना मस्त विंडो लग रहा है, डोर डोर, अच्छा हाँ डोर कहाँ पे लगा रहे हो तुम, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई, मस्त लोड लग रहा है, लेकिन वहाँ पे जो होल रहेगा वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे ग्लास पेन भाई, भाई ग्लास पेन लगा देना है ना वहाँ पे, हाँ भाई चलो भाई यहाँ पे मैं ग्लास पेन लगा देता हूँ, 2000 years later सो गाइस फाइनली अपना जो है स्टोरेज रूम बहुत इजिली, और मतलब बहुत इजीली नहीं, बहुत अच्छा बन चुका है भाई, लेकिन बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी, देखो चिमनी भी भाई, भाई देखो गाइस कैसा लग रहा है भाई, कमेंट डाउन करके जरूर बताना प्लीज यार, जल्दी जल्दी कमेंट डाउन करो, बताओ कैसा लग रहा है, चलो भाई एक बार अंदर जाके दिखाते हैं आपको, तो भाई ये देखो अंदर का नजारा, यहाँ पे देख सकते हो चेस्ट ही चेस्ट में भरे हुए भाई, बस यहाँ पे हम लोग आइटम फ्रेम लगाने हैं और भाई सॉर्ट आउट करना अपना सामान, और यहाँ पे कुछ फर्नेस अगर आपको स्मेल्ट करना है कोई सामान, और यहाँ पे अपना और एक चेस्ट अगर आपको लग जाए सामान, मतलब और चेस्ट लग जाए तो, और यहाँ से भाई निकलने का जगह तो है नहीं, और यहाँ पे भाई यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो बहुत ज़्यादा अगर आप थक चुके हैं तो, और भाई देखो साइड से भी दिखाता हूँ क्या मस्त लग रहा है, सो गाइस कमेंट डाउन करके बताना कि भाई कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोज़ भी देखते रहिए, और भाई क्या एपिक लग रहा है, हम लोग को अभी बहुत ज़्यादा काम करना है भाई।